गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माता जियो देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन खांडाखेड़ी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ, आशा करते हैं कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। मेरी कोई भी वीडियो आपको देखनी है तो सिंधु, संदीप सिंधु यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर ऊपर दिया गया है, आप व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से वीडियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। माता जियो देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में लगातार क्लासेज, ऑनलाइन लाइन क्लासेज चल रही हैं। सभी टीचर्स के, लेक्चरर्स की आप वीडियो चेक कीजिए, देखिए और सिलेबस को कवर कीजिए। तो आज का अपना टॉपिक है शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या है या मस्तिष्क विप्लव विधि क्या है। शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव विधि, इसको हम कह सकते हैं ये कि चिंतन और मंथन की विधि है। चिंतन और मंथन की विधि कि चिंतन करेंगे हम, थिंकिंग, किसी की चीज़ के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, और बुद्धिशीलता का प्रयोग होगा इसमें, मस्तिष्क का प्रयोग होगा। बुद्धिशीलता यानी कि माइंड, इंटेलिजेंसी का प्रयोग इसके अंदर होगा। ये एक तूफान की, एक तूफान कह सकते हैं या एक हलचल, जो अपने दिमाग में एक हलचल होती है किसी भी समस्या को लेके, उससे रिलेटेड टॉपिक है। या अपने दिमाग में एक तूफान आता है, कोई कुछ हम सोचते विचारते हैं, एकदम से अपने विचार आते हैं, थिंकिंग आती है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन एलेक्स एस ऑस्बर्न ने किया। इसका प्रतिपादन एलेक्स एस ऑस्बर्न ने किया इस विधि का, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। एलेक्स एस ऑस्बर्न ने ये दिया है कि हम कुछ भी समस्या अपने सामने आती है तो एक तो एक विचार उसके ऊपर, एक दिमाग काम करेगा, एक कई दिमागों का समूह, चार पांच विद्यार्थियों का हम समूह बना सकते हैं, उनको समस्या दे सकते हैं और उसके ऊपर मंथन वो करेंगे, चिंतन करेंगे और उस समस्या का समाधान अच्छे से निकाल सकते हैं। कि किसी समस्या के ऊपर कोई एक दिमाग काम करे या उसी समस्या के ऊपर पाँच दिमाग काम करें, तो पाँच दिमाग काम करेंगे तो वो समस्या जल्दी सोल्व होगी और अच्छे से सोल्व होगी, अच्छे से उसके ऊपर निष्कर्ष, डिसीजन लिया जा सकता है। तो टॉपिक है आज का मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क विप्लव या विचार मंथन, चिंतन, बुद्धिशीलता, तूफान, या इसको हम वैसे डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो गुस्से से बोलना भी बोल सकते हैं। तो मस्तिष्क उद्वेलन क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं और इसके उचित सुझाव क्या हैं, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, आप देखना। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें आता है ये प्रश्न, तो आपको पता ही है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि चिंतनशीलता या सृजनशीलता, थिंकिंग या क्रिएटिविटी को डेवलप करने की एक अच्छी विधि है। इसमें हम विचार करते हैं, बहुत सारे जो प्रॉब्लम दी जाती हैं उसके ऊपर केंद्रित होता है कि प्रॉब्लम फेस करते हैं, विद्यार्थियों को प्रॉब्लम दी जाए, विद्यार्थियों को ऐसी समस्याएं दी जाए जिससे कि वो सीखें। यदि विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं दी जाएगी कोई, तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो अध्यापक इसके में क्या करता है, इस विधि में एक खुद ही अध्यापक उनका एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है, एक उनका मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है और उनका इवेल्युएशन करता है। काम बच्चों से करवाया जाता है पर किसकी देखरेख में होगा, अध्यापक की देखरेख में होगा। कि कोई एक जटिल समस्या के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए विद्यार्थियों के समूह को बोल दिया जाता है और अध्यापक का क्या कार्य होता है, अध्यापक जो भी बच्चे विचार देते हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर वो लिखता रहता है, नोट करता रहता है सारे पॉइंट कि किस बच्चे ने क्या विचार दिया है इस समस्या के बारे में, और जो उपयुक्त समाधान होंगे
उनसे निकालने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों की सहायता से क्या करते हैं कि चिंतन किया जाता है और उसको विकसित किया जाता है और समस्या के समाधान करने का प्रयास किया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव विधि यही है कि एक सरल तरीके से विद्यार्थियों को समस्या समाधान करवाया जाए और उनको समझाया जाए, उनका ये प्रैक्टिकली वर्क भी हो जाता है और जिससे कि बच्चे सीख भी जाते हैं। जैसा कि बताया गया है कि उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि विद्यालय कोई नवनिर्मित विद्यालय है तो उसमें एक फर्नीचर है, प्रयोगशाला है, नई प्रयोगशाला बनानी है तो उसमें फर्नीचर एडजस्ट करना है कि और विद्यार्थियों के सामने अध्यापक बोलते हैं कि हमने एक प्रयोगशाला में कोई फर्नीचर सेट करना है तो इसके ऊपर अपने अपने विचार दीजिए कि कहाँ से फर्नीचर लेके आएँ, कैसे तैयार करें, क्या करें। तो एक विद्यार्थी बोलते हैं कि जो अपने पास पुराना फर्नीचर पड़ा है उसको ही हम नया बनवा सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं। दूसरा विद्यार्थी बोलता है कि हम किसी सारे विद्यार्थी इकट्ठे होकर विद्यालय के कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, उसके आधार पर हम नया फर्नीचर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट विद्यार्थी बोलता है कि जो स्टूडेंट है उसके टर्न आती है, वो कहते हैं कि हम कहीं से बाहर से चंदा लेके या दान वगैरह स्कूल में इस तरह से हो जाता है तो वहाँ से ले सकते हैं, या एक धनराशि इकट्ठी करके वहाँ से खरीदा जा सकता है। अध्यापक भी सहयोग कर सकते हैं, बाहर समाज से भी सहयोग ले सकते हैं कि दान स्वरूप इकट्ठा करके वो भी किया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक ये सारे पॉइंट लिखते रहते हैं और एक उचित हल निकालने का, समाधान निकालने का प्रयास करते हैं कि सबके सामने सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने विचार रखे कि फर्नीचर को रिपेयर करवा लिया जाए, नया फर्नीचर खरीद लिया जाए, या किसी दूसरे स्कूल से या शॉप से पुराना फर्नीचर लाके उसको ठीक करवाया जाए, या अपने पास ही जो, या फिर लकड़ी लेके नया फर्नीचर बनवा लिया जाए। तो इस तरह से सभी का दिमाग काम करता है और उद्वेलन विधि का उद्देश्य यही है कि सभी के दिमाग में हलचल पैदा करना, सोचने पर विवश करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो इस विधि की विशेषताएं यही हैं कि मनोवैज्ञानिक विधि है, साइकोलॉजिकल मेथड इसके अंदर यूज होते हैं, प्रिंसिपल यूज होते हैं। समस्या समाधान के लिए चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है, दिमाग का यूज किया जाता है और यह विधि सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती है, ज्ञान बढ़ता है इसके अंदर, स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करने, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी के सोशल इसके अंदर यूज हुआ है। मस्तिष्क उद्वेलन क्या है कि एक सामूहिक कार्य है, आपस में मेल मिलाप की, वाद विवाद की, डिस्कशन की, ये सारी योग्यताएं विद्यार्थियों के अंदर बढ़ती हैं, चिंतन की, विचार विमर्श की, ये सारी योग्यताएं इसके अंदर बढ़ती हैं। तो ये सारी समस्याएं मस्तिष्क उद्वेलन की के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं और इसकी विशेषताओं को हम देख कर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दिमाग का सही यूज होता है, इसकी कमियाँ क्या हैं। जैसे कोई भी काम होता है उसके अंदर उसकी विशेषताएं होंगी तो कुछ ना कुछ उसकी कमियां भी निकलेंगी। तो इसकी कमियां क्या है कि इसके लिए एक सुयोग्य, सुव्यवस्थित, सुसंगठित वातावरण चाहिए और अध्यापक भी एक निपुण चाहिए। मस्तिष्क उद्वेलन के लिए जो बुद्धिशील बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वही आगे आते हैं, जो शर्मीले हैं या मंद बुद्धि हैं या जिन, वो आगे नहीं आते, वो उनके विचार दबके रह जाते हैं, और जो ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं वो आगे आ जाते हैं, वो अपने विचार रखते रहते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि वो अनमेच्योर हैं, उनके उनकी बुद्धि, उनका मेंटली लेवल ज़्यादा नहीं है तो उसके ऊपर वो अपने विचार नहीं दे पाते। तो नेक्स्ट है इसमें इसी का टॉपिक कि जो भी उचित सुझाव हैं मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव के, तो क्या है, तो सुझाव यही हैं जो भी कमियां हैं, जो इसके दोष हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनकी चिंतन शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया जाए, क्रिएटिव उनको बनाने का कार्य किया जाए, और जो शर्मीले बच्चे हैं उनको आप इनाम दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, शाबाशी उनको दे सकते हैं और उनके लिए सुनिश्चित वातावरण तैयार कर सकते हैं जिससे कि वो भी, सभी को समान अवसर मिले, समस्या का समाधान कर सकें, विचार प्रस्तुत कर सकें, और सुयोग्य अध्यापक, जिनके योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए
उद्देश्य क्या, फोकस क्या है मस्तिष्क उद्वेलन का, ब्रेनस्टॉर्मिंग का फोकस यही है कि उनको भावनात्मक और ज्ञानात्मक उद्देश्य को बढ़ाया जाए, उनके जो भी उनके कॉग्निटिव और इमोशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको गेन करवाना। संरचना में हम यही कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के सामने समस्याएं रखकर समस्या का समाधान विद्यार्थियों से निकाला जाए और अध्यापक इनमें एक मार्गदर्शक के रूप में उनका काम करवाता रहे जिससे कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। ओसबर्न की शिक्षण विधि के बहुत सारे सोपान यानी कि भाग, पढ़ाओ, उपागम कह सकते हैं, समस्या समाधान के पक्ष के बारे में अच्छा है, सही से आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं, उनका विश्लेषण किया जा सकता है, फिर संश्लेषण किया जा सकता है और समस्या का समाधान निकाला जाता है और विचार, सभी के विचार निकल के आते हैं उस समस्या के ऊपर। तो आज का टॉपिक कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कम्बिनेशन का है, इवेल्युएशन का है, की जाती है, थिंकिंग सोच विचार की जाती है, उसके ऊपर रिसर्चेबल है, जैसे कि साइकोलॉजी क्या है, रिसर्चेबल है, मनोविज्ञानिक विज्ञान का सब्जेक्ट है तो बार बार अनुसंधान किए जा सकते हैं, सोल्यूशन किया जा सकता है किसी भी समस्या के ऊपर, टीम वर्क है, ये इंडिविजुअल नहीं है कि टीम वर्क, उसमें विद्यार्थी की संख्या के आधार पर 5 से 6, 7, 8 इस ऐसे ग्रुप के सदस्य तैयार किए जा सकते हैं। और फ्री एसोसिएशन है कि इसमें हम टीम वर्क करेंगे, समस्या समाधान करेंगे, सॉल्यूशन, रिसर्च, थिंक, इवेल्युएशन कंबाइन और ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये एक दिमाग का रूप है, दिमाग हर तरह से काम करते हैं, दिमाग को जितना हम यूज करेंगे उतना ही वो तेज चलेगा, उतने ही उतने उसके अंदर विचार आएंगे। तो इसी आज का टॉपिक आपको कैसे लगा उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जितना करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, एक नए टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट डे, धन्यवाद।